एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपने चैनल पर एक बार बताया था कि मैंने यहाँ पर जॉब की थी, टीचिंग जॉब की थी। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मुझे वो जॉब कैसे मिली, तो आप जरूर बताना, मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं उससे रिलेटेड। इसमें एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि मैंने दुबई टीचिंग जॉब्स एंड कुवैत टीचिंग जॉब्स पे सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस तरह से आपको जॉब मिल सकती है, सारे प्रोज एंड कॉन्स, तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जॉब कैसे मिली और मैंने क्यों छोड़ दी वो जॉब। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहली बात, जब मैं कुवैत आई थी तो मेरा बेटा जो है वो 1 साल का था, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी मेरी बिल्डिंग में, तो वो मुझे देखकर कहती थी कि यू शुड डू जॉब, यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल, यू हैव मच नॉलेज, मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें करना चाहिए, कुछ ना कुछ तुम कर सकती हो। देन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एचआर में था, मार्केटिंग में था, तो मुझे टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो बोले नहीं, कुवैत में ना बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, टीचिंग की जॉब तो बहुत जल्दी मिल जाती है। मतलब वो जिस तरीके से बात करती थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल आके मुझे जॉब दे देंगे घर पे बैठ के। तो इस तरह से माहौल बनाया हुआ था। सो आई वॉज सो इजी कि अच्छा फटाफट से जॉब मिल जाएगी, सो लेट इट बी, अभी तो मुझे नहीं चाहिए, जब चाहिए होगी तब मैं लूंगी। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो अब मैं जॉब सर्च करती हूँ। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन जितने भी स्कूल्स थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे उनमें मैंने अपना सीवी सेंड कर दिया और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, एक भी स्कूल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, इससे पहले आपको अपना सीवी अपडेट करना पड़ेगा अगर आप लोग भी ढूंढना चाह रहे हैं। तो मैंने अपना सीवी अपडेट कर लिया था और मैंने अपना सीवी सेंड कर दिया था, बिकॉज मेरी सीवी में बिल्कुल भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मुझे बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया ऑनलाइन। देन मेरी कुछ मेरी फ्रेंड से बात हुई, तो वो बोले कि नहीं नहीं आप स्कूल में जाके अपना सीवी दे दो और देखना आपको देखकर जो है वो जॉब दे देंगे। सो आई वॉज लाइक ओके। मैंने फिर सालमिया के स्कूल छोड़े क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना था, तो मैंने सालमिया के जो स्कूल्स मुझे अच्छे लग रहे थे मैं वहां पर गई और मैंने सीवी दिए। तो सीवी कुछ प्रिंसिपल्स तक को भी दिए और कुछ जो है वो बाहर ही ऑफिस में रोक लेते हैं, वहां पर मैंने सीवी अपना दे दिया और उन्होंने बोला कि हाँ हम अपडेट कर देंगे। तो मैंने एक स्कूल में प्रिंसिपल के हाथ में सीवी दिया, तो उन्होंने मेरा सीवी देखा, वहां पर हम लोगों ने कुछ बातें की, उन्होंने कहा कि आपके पास सारा एक्सपीरियंस है, मेरे पास इंटीरियर डिजाइनिंग का भी एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो मेरे पास इंटीरियर डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस था, मेरे पास मार्केटिंग का था, एचआर का था, लेकिन मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। देन फिर मैंने उन्हें कन्विंस किया कि नहीं मेरे पास बच्चा है, मेरे पास मैं उसको भी पढ़ाती हूँ, देन मैंने कुछ ट्यूशंस भी किए थे, तो मैंने कहा मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, बट उनकी फिर भी वो बोले कि नहीं हमें एक टीचर ही चाहिए। एंड इंडियन स्कूल्स में मैं बताऊँ आपको बीएड को ही ज्यादा एंटरटेन करते हैं, तो अगर आप बीएससी हैं या एमएससी हैं तो मे बी आपको उतना एंटरटेन नहीं करे, लेकिन अगर बीएड और एमएड है तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा यू नो फॉलो करती रही उन्हें मैंने थोड़ा सा, एक बार और गई थी मैं उनसे बात करने के लिए, देन फाइनली वो थोड़े से कन्विंस हो गए मुझे देखकर और मुझसे बातें करके, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह सारा लिया, जो भी डिटेल पूछनी थी वो उन्होंने ली। उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझे जॉब दे दी, बिकॉज I didn't have experience, तो उन्होंने मुझे KG की टीचर बनाया, क्योंकि आपको कोई भी हायर क्लास नहीं देंगे, इवन फर्स्ट भी नहीं देते, नर्सरी KG देते हैं, LKG या UKG इस तरह से ही मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और है भी तो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आपको शुरुआत वाली क्लास मिलेंगी, इनिशियल छोटी क्लास ही मिलेंगी आपको। उसके बाद बात आती है सैलरी प्रोफाइल एंड माय एक्सपीरियंस या एम्बियंस कैसा था। तो सैलरी मेरी थी 160 KD, 160 KD पर मंथ विद नो फैसिलिटीज। यहाँ पर टीचिंग जॉब में ओनली सैलरी ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाहर इंडिया से आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं तो आपको रहना खाना ट्रांसपोर्ट वगैरह मिल जाए, ऐसा ज्यादातर नहीं होता है, तो सिर्फ आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद एम्बियंस अच्छा था स्कूल का, सब कुछ अच्छा था। देन एक चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चे बहुत ज्यादा थे, बच्चे बहुत ज्यादा, अच्छे स्कूल से होंगे ना वहां पर आपको 20-22 बच्चे मिलेंगे, यहाँ पर क्लास में 50 किड्स थे, 50 बच्चे थे, और जब आपकी जूनियर KG वगैरह होती है ना, ओ गॉड इट इज सो टफ, स्पेशली मेरे लिए क्योंकि मैं एकदम फ्रेशर थी। देन उसके बाद बात आती है कैसा रहा एक्सपीरियंस धीरे धीरे। तो एक्सपीरियंस शुरू में अच्छा था, देन धीरे धीरे मैंने देखा इट इज वेरी वेरी टफ टू हैंडल 50 किड्स
इन अ क्लास मुझे लग रहा था कि बच्चे जो है वो 20-25 मैं 20 या 25 बच्चे तक हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन 50 बच्चे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। देन पेरेंट्स को आंसर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देन यहाँ पर अगर आप कुवैत में हो तो बच्चे आपको हर तरीके के बच्चे मिलेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के भी बच्चे मिलेंगे, फिर उनके पेरेंट्स आते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं, देन उनको हैंडल करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। देन उस टाइम पर ही मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, स्ट्रेस की वजह से मेरे हार्मोन्स पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं जॉब कर पाऊं। देन फाइनली मैंने सोचा कि मैं इसे क्विट करती हूँ, क्योंकि ये जॉब मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने आफ्टर 1 month फुल 1 महीना मैंने किया, उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो मुझे स्कूल एम्बियंस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे सैलरी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इतनी सैलरी मिलती है, इवन मेरे हिसाब से ये ठीक भी थी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था 100 KD तक ही मिलेगी, बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस इन टीचिंग, लेकिन फिर भी 160 KD इज गुड। मेन स्कूल का नाम आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी कौन सा स्कूल था, सालमिया में ही था, अच्छा स्कूल है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा है वहां पर, और बच्चों की जब शुरुआत होती है उस टाइम पे इतने सारे बच्चों को कोई भी टीचर हैंडल नहीं कर सकती, अगर करती है तो बच्चे इग्नोर होते हैं। तो इसलिए अगर बच्चों के बेस ही क्लियर नहीं है, बेसिक एजुकेशन क्लियर नहीं है, और बच्चों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 50 बच्चे मेरे, तो आज तक मुझे समझ में नहीं आता क्यों स्कूल वाले 50 बच्चे एक क्लास में रखते हैं, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ना उसके बाद बात आती है क्या यहाँ पर जॉब करना सही है या नहीं, तो इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपका कितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको बड़ी क्लास मिल जाएगी, तो बड़ी क्लास मिल जाएगी तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आपके लिए ये जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि टीचिंग जॉब एक ऐसी है कि जहां आप 1 या 2 बजे तक घर आ जाते हो, उसके बाद आपके पास पूरा आधा दिन रहता है अपने घर में स्पेंड करने के लिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि घर में भी बच्चा, देन वहां पर भी बच्चों को हैंडल करो, तो मैं इतना ज्यादा प्रेशर नहीं ले पाई, इसलिए मैंने छोड़ दी थी। लेकिन हाँ, मुझे ट्यूशन पढ़ाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने बीच में ट्यूशन वगैरह भी किए थे जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज ट्यूशन पे आपका कंट्रोल होता है, आपका मन है तो 1 बच्चा लो 2 बच्चा लो या 10 बच्चे, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन आपके पास एक प्रेशर नहीं होता कि आपको इतने बच्चों को ही एजुकेट करना है। एंड सेकंड बात, ट्यूशन में भी यहां पर बहुत अच्छा पैसा है, पर किड आप 22-25 KD ले सकते हैं। ट्यूशन टीचर पे मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं। एंड दूसरी बात बहुत ज्यादा आती है, अगर आप लोकल हैं, कुवैत में ऑलरेडी हैं, तो आप कोई भी जॉब ढूंढने में ज्यादा इजी हैं, लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा कि मैं इंडिया में हूं मुझे कैसे मिले, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है टीचिंग जॉब के लिए। अगर उनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कॉलेज में है या आपके 11-12 इस तरह के टीचर चाहिए, तो वो बेशक आपको एंटरटेन करें, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत इजीली, मतलब उनको जॉब मिल जाती है, तो बहुत ही कम होता है जब बाहर से टीचर्स आती हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, क्योंकि सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है जहां पर आप रह सकते हो, खा सकते हो, ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकते हो एंड सेविंग भी कर सकते हो, तो मुझे बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं लगती। हाँ, अगर आप कॉलेज वगैरह में जॉब करते हो तो मे बी आपकी थोड़ी बहुत सैलरी ज्यादा हो, या आप 11-12 की टीचर हो या थोड़ी हायर क्लास की टीचर हो, 9th, 10th, 11th, 12th, तो मे बी आपकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो मेरे लिए सैलरी कम ज्यादा होगी तो मेरे फैमिली पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे सेविंग करना मुझे भी अच्छा लगता है, अगर ज्यादा मिलती है तो भी मुझे अच्छा लगेगा, कम मिलती है तो भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अपना पूरा खर्चा निकालना है देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस और मेरे जॉब से रिलेटेड सारी बातें। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने पहले कौन सी जॉब की और मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और मेरी एजुकेशन वगैरह क्या है, तो लेट मी नो इन अ कमेंट बार, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बिकॉज मैं कभी भी करियर ओरिएंटेड गर्ल नहीं रही हूँ। स्टिल मैंने काफी कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत मैं करती रहती थी बिकॉज मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो ऑब्वियसली एक जगह मेरे पास स्कोप नहीं था कि मैं एक जगह रहकर 5-6 साल का एक्सपीरियंस गेन कर पाऊं, तो इसलिए मैंने कभी भी कुछ छोड़ा नहीं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो किस तरह से मैंने अपने आप को कड़ा किया, किस तरह से मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, वो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताना, मैं खुद शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं, मन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, कितना जरूरी है जॉब करना और कितना जरूरी नहीं है
वो सारी चीजें भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए ऐसा नहीं है कि सब जॉब कर रहे हैं तो आपको भी जॉब करना चाहिए, अगर हाउस वाइफ है तो सबको हाउस वाइफ बनना चाहिए. इट इज अबाउट योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो. तो अगर इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो चाहिए, तो जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड लव यू ऑल.